पांच में से किसी से भी आप लॉगिन कर सकते हैं फेसबुक। तो यहाँ पे आप यहाँ से नीचे आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना, फीमेल ने फीमेल पे ही क्लिक करना है, मैं मेल हूँ तो मेल पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से आपने एंटर पे क्लिक करना है और कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट आपने पाकिस्तान यानी अपने करंट कंट्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे एंटर पे क्लिक, मैं इनको फॉलो नहीं करूँगा तो मैं स्किप पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने ये पूरा एग्रीमेंट को आपने रीड कर लेना है, उसके बाद आपने एग्री यहाँ पे इसको चेक करना है और गो लाइव पे क्लिक कर देना है। लाइव ऑप्शन भी ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे आ जाएगा। आपने यहाँ सिंपली नीचे अप्लाई टू बी अ हायर टैलेंट पे क्लिक कर देना है। सिंपल यहाँ पे आपने नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैव एन एजेंसी आईडी, यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक कर देना क्योंकि आप एजेंसी के थ्रू एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे आपने अपना रियल नेम लिखना है, सिंपल पूरा रियल नेम लिखना है। मैं तो आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपने व्हाट्सएप नंबर लिखना है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिखने के बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, अपनी एड्रेस ऑप्शनल है यहाँ पे, अगर आप एड्रेस देना चाहें तो एड्रेस लिखना है वरना सिंपल इसको स्किप कर देना है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिखना है, ईमेल टाइप करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, जो इंडियन गर्ल्स हैं वो अपना आधार कार्ड नंबर लिखेंगी, जो पाकिस्तानी गर्ल्स हैं वो आईडी कार्ड नंबर लिखेंगी। आईडी कार्ड नंबर लिखना है और क्लिक टू अपलोड नेशनल आईडी देंगे और उसे यहाँ पर अपलोड कर देंगे, वरना आपके पास शूज हो एल्बम भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आपने ये आईडी कार्ड को इस तरह से एक्सेस हो गया है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नंबर है तो यहाँ पर आपने अपने बैंक का नेम लिखना है, बैंक सिंपल बैंक नेम लिखना है और यहाँ पे आप कोशिश करें अपना अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या आईबीएन नंबर आपने यहाँ पर देना है। यहाँ पे आपने जो चेक बुक आपकी है उसकी पिक अपलोड कर देनी है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो नो इशू, यहाँ पर आपने पाल पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी ईमेल लिख देना है अपना, जैसे मैंने अपना ईमेल लिख दिया, वो कोई इशू नहीं है। इस ईमेल पे पेपाल का अकाउंट बना हुआ है या नहीं है, जब आपको सैलरी रिसीव होगी तो आप कोई भी बैंक अकाउंट देंगे या इजी पैसा अकाउंट देंगे, वो मैं आपको वहाँ कंपनी में मैं अपडेट करवा दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। अपने यहाँ पे अपनी एजेंसी आईडी लिखनी है 11917, सब ने यही लिखना है 11917 और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है।